चलिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मेरे पास एक कमेंट आ रहे हैं कि डिफ्रैक्शन क्या है ये बताइए। तो मैं बता दूं कि जो डिफ्रैक्शन होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ लाइट पर बेस्ड है। लाइट जो है उसका वेव नेचर पर बेस्ड है। तो मैं सबसे पहले आपको लाइट के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा कि लाइट जो है सो सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, या वेव के फॉर्म में होती है, या पार्टिकल के फॉर्म में होती है, या तीनों फॉर्म में होती है, ये जानते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में इन द स्टार्ट ऑफ द 1850 आई थिंक यस 1850 और 90 के बीच में न्यूटन ने ये बताया था कि लाइट जो है सो न्यूटन, सर आइज़क न्यूटन, उसका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी फिजिक्स में यदि ज़्यादा नाम आता है तो न्यूटन का ही नाम आता है, और वो सर आइज़क न्यूटन जिसको सर का संबोधन करके हम लोग उसे सलाम करते हैं, उसे अपनी एक रिस्पेक्ट देते हैं। तो सबसे पहले क्या हुई कि लाइट एक सीधी लाइन में चलती है ये पता चला, और उसके लिए आप भी घर में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप एक सीधा पाइप लें। सीधा पाइप मतलब समझ रहे हैं ना, एक स्ट्रेट पाइप, और उस पाइप के सामने में लगा दें, जला दें एक मोमबत्ती कैंडल, और कैंडल के जलाने का उस लाइट उस पाइप से देखें तो आपको लाइट नज़र आएगी पाइप के अंदर। ठीक है, और वही आप एक टेढ़ा पाइप लेकर के देखो तो लाइट नज़र नहीं आएगी। अब यहाँ पर ये पता चला कि लाइट सीधा चलती है, इसीलिए तो मुझे नज़र नहीं आती है किसी कर्व टाइप की पाइप में। तो इससे हमको ये पता चलता है, आप भी 7th क्लास में पढ़े होंगे, 7th क्लास में, कि लाइट जो है सो सीधी लाइन में चलती है। और इसी से हम लोग क्या है कि कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, इस टाइप में इमेज का फॉर्मेशन को डिराइव किया था और माना था। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद क्या है कि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जिससे ये पता चलता है कि लाइट सीधा नहीं चलता। और वो एक्सपेरिमेंट ये हुए कि आपने यदि इंटरफेरेंस पढ़ी होगी तो आपको पता चला होगा कि लाइट में जाकर के आगे यदि किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है, किसी एक पतली सा छिद टाइप की पेपर से टकराती है, मैंने लेज़र लाइट को लिया, चलिए पढ़े सो भूल जाइए, लेज़र लाइट को लिया और उसको एक ऐसे स्क्रीन से पास कराया, जिसमें एक छोटा छोटा सा बहुत ज़्यादा छिद्र हो, तब लेज़र लाइट तो पास कर जाएगा। लेकिन यदि लाइट सीधी रेखा में चलती, यदि लाइट सीधी लाइन में चलती तो जहाँ पर छिद्र है वहीं पे भी सिर्फ लाइट पास करती, उसके बगल से लाइट पास नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाइट जो है सो जिस जगह में पास करना चाहिए वहाँ से तो पास की ही, लेकिन उसके बगल में एक ऑब्स्टेकल था, मतलब छिद्र था, तो छिद्र का जो वाल है बगल में, ठीक है, वहाँ से लाइट मुड़ के पास की, और पास करने के बाद तीन अलग अलग स्पॉट बनाए। अब ये हमको अलग से पता चलता है कि वहाँ पर फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होने लगा, कहीं पर पूरा ब्राइट दिख रहा है तो कहीं पर फ्रिंजेस दिख ही नहीं रहा, फिर कहीं पर डार्क दिख रहा है तो कहीं पर फ्रिंजेस दिख ही नहीं रहा, बात समझ रहे हैं ना। और तब यहाँ पर ये पता चला कि लाइट यदि सीधी चलती तो ये कभी नहीं होता, इसका मतलब लाइट जो है सो एक वेव के फॉर्म में चलती है, ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में चलती है, अनुप्रस्थ तरंग के फॉर्म में, उसके रूप में लाइट का डिजाइन आगे होता है। कितना रोचक तथ्य है ये दुनिया, बहुत अच्छी लगती है जब इसकी पढ़ाई करते हैं तो। क्या ये बातें तो समझ में आ गई, लेकिन उससे आगे जाने के बाद हमें ये चीज़ पता चला कि लाइट जो है सो ना ही स्ट्रेट लाइन में चलती है और ना ही एक वेव का फॉर्मेशन है,
लाइट जो है सो पार्टिकल का फॉर्मेशन है, ये कुछ देर बाद जाके पता चला। और वो पता चला कब, जब मुझे दिया गया आइंस्टाइन के द्वारा ये नियम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उसमें आइंस्टाइन जो है, सर आइंस्टाइन उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो सर आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन देने की बात कही और उस इक्वेशन में अजम्पशन के तौर पर बताया गया कि लाइट एक छोटी छोटी पार्टिकल का पैकेट होती है, उसको हम लोग फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फोटोन। यदि वहाँ पे लाइट पार्टिकल के रूप में नहीं होती तो वेव के नेचर से वो एक्सपेरिमेंट सही नहीं हो पाता। क्या बोल दिए, किसी को समझ में नहीं आया? मैं बता रहा हूँ, यदि लाइट वेव के फॉर्म में है, यदि लाइट वेव के फॉर्म में है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि मेटल सरफेस पर हाई वेवलेंथ का लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। और इलेक्ट्रॉन का इमिशन हमें ये बताता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी में कुछ रिलेशंस आती है, जिससे मैंने बता चुका हूँ, लेक्चर मेरा दिया हुआ है, यूट्यूब में देखिए आप, क्वांटम फिजिक्स में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बातें समझने में बिल्कुल अच्छी लगती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। किसके यूज से? तो हमें ये पता चला कि वेव नेचर ऑफ लाइट को कंसिडर करने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होती। तब वहाँ पर एक नया एक्सपेरिमेंट दिया गया, नया नाम दिया गया कि लाइट जो है सो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार से लाइट जो है सो एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में होती है और उस पर एक क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, जो एनर्जी उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल टू एच न्यू प्लैंक्स के द्वारा एनर्जी दिया गया था। एच इज द यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू 6.6 × 10⁻²⁴ जूल सेकेंड, ओके, जूल पर सेकेंड, ओके, जूल सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड, इसका यूनिट जूल सेकेंड होता है, ठीक है। अब ये बात यदि समझ में आ गई होगी तो डिफ्रैक्शन पे हम फिर से वापस आते हैं। तो डिफ्रैक्शन में होता क्या है ओरिजिनल में, कि हम किसी ऑब्स्टेकल को रख दिए, किसी ऑब्स्टेकल को रख दिए, जैसे मेरे पीछे में जो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये विंडो, तो आपको लग रहा है विंडो जैसे पूरा ब्राइट हो, पूरा ब्राइट हो, और ब्राइट होने के पीछे क्या कारण है सोचिए। यदि विंडो ब्राइट है, अब जैसे आपको लग रहा है कि वो ओपन है, इसीलिए आप एक काम कीजिए, लाइट को यहाँ पर रखिए, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखिए और इधर से लाइट का पास करवाइए, तो देखना यहाँ से लाइट नहीं जाएगी, पूरा अंधेरा कमरा की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लाइट नहीं जाएगी लेकिन इसके बगल से लाइट चली जाएगी, इसके बगल से लाइट चली जाएगी, इसके बगल से लाइट चली जाएगी, इधर इधर से हर जगह से लाइट चली जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ से नहीं जाएगी। अब ये लाइट उधर से क्यों जा रही है? क्योंकि ये ऑब्स्टेकल का नियम है, इसी को डिफ्रैक्शन करते हैं, कि लाइट यदि किसी ऑब्स्टेकल पे पड़ती है तो वो अपने पाथ से डिफ्रैक्ट होकर के दूसरी तरफ जाती है, ये होती है डिफ्रैक्शन। तो लाइट की कहानी समझने में बड़ा रोचक तथ्य है। लाइट की स्पीड कितनी होती है इन वैक्यूम? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट चलती। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट होती है। लाइट में लाइट वेव के रूप में भी चलती है और लाइट पार्टिकल के रूप में भी चलती है, ठीक है। हम लोग अभी भी 7 क्लास में हम लोग यही पढ़ते हैं कि लाइट सीधी रेखा में चलती है। जब उससे और ज़्यादा एडवांस होते हैं तो पता चलता है कि लाइट सीधी तो रहती है लेकिन एक वेव के फॉर्म में आगे सीधा ही चलती है। उसके बाद और आगे पढ़ते हैं तो वेव के फॉर्म में चलती है लेकिन उस लाइट के अंदर में छोटी छोटी पार्टिकल्स होती है, वो वेव के अंदर में चलती है और ये वेव बहुत छोटा रहता है, बहुत सीधा सीधा जाती है। मतलब ये कि लाइट का तीनों रूप सही है।
कभी कभी हम ले लेंगे लाइट को इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन में, लाइट का वेव रूप को लिया जाता है, वेव फॉर्म को लिया जाता है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम इफेक्ट में लाइट का पार्टिकल नेचर को लिया जाता है। तो हम लोग 10th क्लास में ये पढ़े हुए थे कि लाइट 2 प्रकार के नेचर के होते हैं। फर्स्ट होती है वेव नेचर ऑफ लाइट, दूसरा होती है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आपने पढ़ी होगी। रे ऑप्टिक्स में आप सीधा ही समझे होंगे कि लाइट सीधी टाइप में चलती है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में आपने ये समझा होगा कि लाइट सीधी नहीं चलती है। वहाँ हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ाया गया होगा, प्रिंसिपल पढ़ाए होंगे और हाइगन्स का वेव थ्योरी पढ़ाया गया हो। हाइगन्स की वेव थ्योरी के अनुसार लाइट एक वेव के रूप में चलती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव में चलती है, लेकिन बाद में उसे करेक्ट करके बताया गया कि नहीं, लाइट जो है सो एक ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में चलती है। लाइट कंसिस्ट ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट का जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 300,000 किलोमीटर एक सेकेंड में जाती है, वही है लाइट। सन से लाइट को अर्थ में आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। स्पीड इतना है तो डिस्टेंस कितना है ये भी आप मेजर कर सकते हैं। ये दुनिया बहुत अच्छी है। अच्छा चलिए, यहाँ तक तो हम बता ही चुके हैं आपको, अब थोड़ा सा और एडवांस बता रहे हैं। सुनिए, आपने 12th क्लास की एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी होंगी, वहाँ पर आपने ये जाना होगा कि लाइट जो है सो एक वेव फॉर्म में चलती है और हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ किया होगा। तब आप हमको खुद बताइए कि वहाँ पर जो मैंने प्रूफ किया वो सक्सेसफुली रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों लॉ का प्रूफ कर दिया। वहाँ पर मैंने यूज किया था, एक बार याद कीजिए, कि यदि लाइट कहीं रिफ्रैक्ट हो जाती है, यदि लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है या तो नॉर्मल के करीब आती है। ये डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा चलिए, आप सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा अपने घर में। लाइट को एक वाटर से पास कराइएगा और वाटर से पास कराने के लिए आप एक कांच का बोतल लीजिएगा। ठीक है, और कांच का बोतल लेने के बाद आप उधर से लेज़र लाइट मारिएगा। ठीक है, क्योंकि लेज़र लाइट का रिफ्रैक्शन आपको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों दिख जाएगी, तो लेज़र लाइट को बोतल से के कर्व टाइप में मारिएगा ताकि जो वाटर है उस पर थोड़ा सा एंगल बना के गिरे, और जैसे एंगल बना के गिरेगा तो आपको लेज़र लाइट का रिफ्रैक्ट हुआ पोर्शन नीचे दिख जाएगा, साथ में एक छोटा सा इंटेंसिटी मतलब कम ही लाइट रिफ्रैक्ट मतलब रिफ्लेक्ट किया हुआ नज़र आएगा। मतलब जो लाइट भेज रहे हैं इधर से इंसिडेंट करा रहे हैं उसका दो तरीके में यूज होता है, उसी लाइट के इंटेंसिटी का 80% लाइट नीचे रिफ्रैक्ट कर जाती है जबकि उसका 20% लाइट ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये तो वेव नेचर में तो ठीक ठाक समझ में आ जाता है, लेकिन यदि हम पार्टिकल नेचर की बात करें, फोटोन नेचर की बात करें, तब ये बात समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है समझ में ये बात? तो ये बात समझ में नहीं आने के पीछे का कारण है कि लाइट सीधी रेखा में चलती तो है, लेकिन यहाँ पर हम वेव रूप को ले रहे हैं। और बताइए, यदि एक फोटोन को देखा जाए, यदि मान लेते हैं कि आपने पूरी वेव लाइट को ली गई, उसमें 20% रिफ्लेक्ट कर गई, 80% रिफ्लेक्ट कर गई, लेकिन यदि हम मात्र एक फोटोन को लें तो हमें बताइए कि क्या वो फोटोन रिफ्लेक्ट करेगी या रिफ्रैक्ट करेगी? यहाँ पर सारी फिजिक्स का नियम फैल कर जाती है। यहाँ पर संभावना हमें बताया नहीं जाता है
कि क्या ये फोटोन जो जा रहा है, ओनली वन फोटोन ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट इनसाइड द वाटर, ये पता करना बड़ा ही मुश्किल है। ये बातें आपको समझ में बिल्कुल आ रही होगी, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब आपने प्रूफ भी किया होगा हैगन्स का वेव थ्योरी की यूज करके आई इक्वल टू आर अर्थ साइन आई इक्वल टू साइन आर, तब आपने ये जरूर आजमाया होगा कि 20% जो है सो रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो मुझे बताइए, यदि वहाँ पर वेव थ्योरी को अप्लाई के नहीं करके पार्टिकल थ्योरी को अप्लाई किया जाए, तो किसी एक पार्टिकल का, एक पार्टिकल ऑफ लाइट का क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रिफ्रैक्ट कर जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, और हम जहाँ तक समझते हैं कि ये बात समझ में आ गई। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया यहीं से स्टार्ट होती है। क्वांटम मतलब बहुत छोटा। लाइन पर बने रहिए, और भी इंटरेस्टिंग बातें आपको हम बताने वाले हैं। या तो दूसरा वीडियो हमें आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। मैथमेटिक्स एयरफोर्स की दुनिया चल रही है, अभी क्लासेस स्टार्ट हुई है, इधर लाइट के बारे में चल रही है, डिफ्रैक्शन का वीडियो अभी आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ऑप्टिक्स को धीरे धीरे करके समाप्त करने वाले हैं, एक ही कंडीशन पर जब आपकी सहायता मेरे साथ बनी। जीत में ही हार है, रात में ही दिन, निकलेगा सूरज फिर दूर क्षितिज पार, भाग मत कर प्रयास, पीड़ा ही सुख है।